इंडिया ए ने इमर्जिंग एशिया कप के अपने दूसरे मैच में यूएई को 7 विकेट से हरा दिया। सोमवार को ओमान के अल अमारात क्रिकेट ग्राउंड में यूएई के कप्तान बासिल अहमद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 50 लगाई जबकि रसिक सलाम ने 3 विकेट लिए। भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी की और यूएई को 16.5 ओवर में 107 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। इंडिया ए की तरफ से रसिक सलाम ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट जबकि रमनदीप ने 2 विकेट लिए। 108 रन के टारगेट को भारत ने 10.5 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आयुष बदोनी ने चौका लगाकर मैच जिताया। यूएई की शुरुआत खराब रही, टीम ने अपना पहला विकेट पारी के पहले ओवर में मयंक कुमार के रूप में गवा दिया। एक समय टीम का स्कोर 35 रन पर 4 विकेट था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल चोपड़ा ने 50 गेंद पर 50 रन की पारी खेली। पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए।